हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की एक प्रॉब्लम, जिसमें आपको ये बताया गया है कि एक वर्ड है एग्जामिनेशन, और इस वर्ड में जो 11 अल्फाबेट्स हैं उनके हमें परम्यूटेशंस बनाने हैं, मतलब उन्हें हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज करके नए नए वर्ड्स बनाने हैं, जितने पॉसिबल वर्ड्स हो सकते हैं उतने बनाने हैं, ठीक है। और ये जितने भी पॉसिबल वर्ड्स बन जाएंगे, चाहे इनका कोई मतलब हो चाहे इनका कोई मतलब नहीं हो, उन वर्ड्स को हमें डिक्शनरी वाइज अरेंज करना है। अब डिक्शनरी में कैसे अरेंज होते हैं वर्ड्स, देखिए डिक्शनरी में पहले वर्ड्स वो होते हैं जो लेटर ए से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद वो वर्ड्स आते हैं जो लेटर बी से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद वो वर्ड्स होते हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो हमारे इस क्वेश्चन में जो परम्यूटेशंस बने हैं, अब इन्हें हमें डिक्शनरी वाइज अरेंज करना है। तो इनमें भी ऐसे ही होगा, सबसे पहले वो वर्ड्स आएंगे जो लेटर ए से स्टार्ट होने चाहिए, उसके बाद वो वर्ड्स आने चाहिए जो लेटर बी से स्टार्ट होते हैं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वर्ड एग्जामिनेशन के जो अल्फाबेट्स है उनको हम देखें तो हम देखते हैं कि इनमें ए तो है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, फिर ई है। तो इसका मतलब ये जो परम्यूटेशंस बने हैं, नए अरेंजमेंट्स बने हैं, इनको अगर हम डिक्शनरी वाइज अरेंज करें तो वो वर्ड्स सबसे पहले आएंगे जो लेटर ए से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद वो वर्ड्स आएंगे जो लेटर ई से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि बी सी और डी तो है ही नहीं। अब इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि हमें लेटर ई से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स है ना, उससे पहले कितने वर्ड्स आते हैं वो कैलकुलेट करो, वो बताओ। अब लेटर ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले वर्ड्स कौन से वर्ड्स होंगे, वही वर्ड्स होंगे जो लेटर ए से स्टार्ट होते हैं। तो सीधा सीधा हमसे यही पूछा गया है इनडायरेक्टली कि लेटर ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं। तो देखिए अब प्रॉब्लम यह बन गई है कि हमें यह निकालना है कि लेटर ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं। तो इसके लिए मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं कि इसके अंदर जो लेटर ए है, अल्फाबेट ए है, वो दो बार रिपीट हो रहा है, तो उसमें से एक अल्फाबेट, एक लेटर को मैं पहली प्लेस पे फिक्स कर देता हूं, क्योंकि यही से वर्ड स्टार्ट होना है ना। तो एक अल्फाबेट ए तो पहले प्लेस पे फिक्स हो गया। अब बचे 10 अल्फाबेट्स, और ये 10 अल्फाबेट्स है ए, ई, एक्स, एम, आई, आई, एन, एन, टी एंड ओ। इन 10 अल्फाबेट्स को हमें अरेंज करना है। तो सीधा फॉर्मूला तो देखो ये होता है 10 फैक्टोरियल, बट यहां पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहां पे दो अल्फाबेट्स है आई के और दो अल्फाबेट्स है एन के, तो मतलब आई दो बार रिपीट हो रहा है और एन दो बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसी सूरत में फिर ये बन जाता है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, वंस अगेन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो वैल्यू आती है 9,07,200। तो हम कह सकते हैं कि लेटर ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स है, 9,07,200, या फिर हमारे आंसर की फॉर्म में हम बोले लेटर ई से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स है उनसे पहले कितने वर्ड्स होंगे, 9,07,200।